क्या ऐसा कोई व्रत है जिसका पालन करने से आपको धन संपत्ति भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक उन्नति भी? जी हाँ, ऐसा व्रत है पुरुषोत्तम मास में आने वाली ये पवित्र परमा एकादशी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही व्रत है जिसका पालन करने से देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। क्या आप भी ऐसी कोई महान सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? तो चलिए आज हम इस अधिक मास विशेष परमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और जीवन की अन्य समसिद्धि के साथ परम सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, तावत् पापानि देहेस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिप यावन्नोपवसेचन्तु पद्मनाम दिनं शुभम्। इसका अर्थ है कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि कमल सदृश हैं, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते हैं। तो चलिए परम पवित्र इस पुरुषोत्तम मास में श्रवण करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है परमा एकादशी। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने की विधि क्या है? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। ये सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सर्वोपरि परम आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली और जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली भी है। इस विषय में अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व कांपिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेध था। उसकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी भी थी जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण सुमेध ब्राह्मण अत्यंत गरीब अवस्था में था। उसके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था और ना ही धन। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन उसके दुर्दैव के कारण कहीं से भी उसे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कठिन परिस्थिति के पश्चात भी उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वह अपने पति की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करती और उनके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। अतिथि सेवा के चलते कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता और इस कारण से उसका सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त दान प्राप्त नहीं होता। पर्याप्त धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साह पूर्वक प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करके बैठ जाता है और प्रयास नहीं करता वह आलसी माना जाता है। अपने पति के वचनों को सुनकर सुमेध की पत्नी पवित्रा ने अपने नेत्रों में अश्रुओं के साथ कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जितनी मात्रा में दान दिया होता है उतनी ही मात्रा में उसे अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है, और जिसने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता वह व्यक्ति सुवर्ण के सुमेरु पर्वत पर होने के बाद भी निर्धन रहता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होगा, इसीलिए आज हम निर्धन हैं। लेकिन आप मेरे पर कृपा करें और कहीं भी ना जाए, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। पति के बिना एक स्त्री का किसी भी स्थान में सत्कार नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है कि यथोचित आश्रय के बिना एक विद्वान ब्राह्मण स्त्री और लता का विकास संभव नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पति धर्मा पति सर्ग पति ही परमम तपः पतिर प्रीतिम आपन्ने प्रियंते सर्व देवता।
अर्थात एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि अपने आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग का सुख, सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उसे प्रसन्न है तो उसे लगता है परम भगवान उससे प्रसन्न है, इसलिए हम साथ में ही संतुष्टि के साथ रहें, यही अच्छा है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर सुमेध ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जन करने का अपना विचार त्याग दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि महान ऋषि कौंडिल्य उनके घर पर आए। उनको देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को पूर्ण संतुष्टि होने तक भोजन प्रदान किया। ऋषि कौंडिल्य जब ब्राह्मण दंपति की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हुए तो पवित्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महान तपस्वी ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में दान ना देने के कारण इस जन्म में निर्धन हो, उसकी इस दरिद्रता का अंत कैसे हो सकता है? हमारी इस दरिद्रता का कोई निवारण बताएं। मेरे पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप तो परम विद्वान हैं, आपके आगमन और दर्शन मात्र से हमारे दुर्भाग्य का अंत हो गया है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि कौन से व्रत का पालन करके, किस तपस्या के द्वारा और किस माध्यम से हम अपने इस दुखमय स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ब्राह्मण पत्नी के वचन सुनकर ऋषि कौंडिल्य ने कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से यह हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान के पवित्र नामों का जप, कथा और कीर्तन करने चाहिए। एक समय कुबेर द्वारा इस एकादशी का पालन किया गया था और उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने जब उसकी पत्नी और बालक को बेच दिया था तो उसके बाद इस व्रत का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने सुखपूर्वक राज्य किया था। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि ने पवित्रा और सुमेध ब्राह्मण को परमा एकादशी का पालन किस प्रकार किया जाए उसके विषय में मार्गदर्शन दिया। ऋषि द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा ने श्रद्धा पूर्वक परमा एकादशी व्रत और उपवास का पालन किया और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की। इसके कुछ ही समय में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को अपने घर की ओर आते हुए देखा। ब्रह्मा के आदेश पर इस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपति को सभी सुविधाओं से पूर्ण सुंदर महल भेंट दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उनके जीवन निर्वाह हेतु एक पूरा गांव भी दान में दिया। इस प्रकार इस एकादशी व्रत का पालन करके सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने जीवन काल के दौरान अनेक सुख सुविधाओं का भोग किया और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस परमा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ गाय का दान देने से और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण फल केवल भगवान की अत्यंत प्रिय परमा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित इस परम कल्याणकारी परम एकादशी का पालन किया और अंत में उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त किया। तो ये थी आज की परमा एकादशी व्रत कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है और अगर आप हमें वैदिक संस्कृति के इस प्रचार कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद से ही हम हमारी प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को यथारूप सुंदर रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर पा रहे हैं। आपके द्वारा हमें भेजे गए आर्थिक सहयोग से हमारा तो उत्साह बढ़ता ही है, लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए परम भगवान को प्रसन्न करने वाले इस अधिक मास विशेष परमा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्णा।